हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका रामबाण बैच में। और आज एमएसटी सीईटी के बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के हम 2022 एंड 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं पीवाईक्यूज के। 2021 का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जरूर देखिए, ठीक है। चलिए तो रामबाण बैच में हम लास्ट में है, 70% से ऊपर पोर्शन हम खत्म कर चुके हैं, ठीक है। और जो बचा है वो 11th का ही है, एक्चुअली 12th का तो हमारा आसपास हो गया है, ठीक है। देखिए अब यहाँ देखिए, ये फॉर अ बायनोमियल वेरिएबल्स ये वेरिएट हो गया x, मीन इज 2 एंड वेरिएंस इज 1, द ऑड्स इन फेवर ऑफ x इज, ठीक है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ऑड्स इन फेवर्स एंड ऑड्स अगेंस्ट फेवर, ठीक है। तो इनका एक फॉर्मूला होता है, वो लिख लो पहले, ठीक है। ऑड्स इन फेवर के लिए आप यूज करोगे ये वाला फॉर्मूला, देखो P of A को ये सेट है, ठीक है, 1 माइनस P of A, ठीक है। और odds against favor, odds against favor, 1 माइनस P of A upon P of A, बस ये दो फॉर्मूले आपको आने चाहिए, बस हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ ये यूज कर रहे हैं, डॉट्स इन फेवर, जबकि x इज इक्वल टू 0 पे हो तो ऑड्स इन फेवर, एक्चुअली ऑड्स इन फेवर निकालते हैं x इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए देखो क्या बोला गया है, मीन आपका 2 है, यानी e ऑफ x आपका कितना है बच्चा, e ऑफ x आपका 2 है, ठीक है। और दूसरा आपको दिया है वेरिएंस ऑफ x, यानी var x इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो यहाँ आप जानते हो np 2 है, ठीक है। तो np2 और ये np क्यूब होता है, ठीक है, np क्यूब। तो यहाँ बड़े ही आराम से आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो np की, तो वो हो जाएगी 2q इज इक्वल टू 1, देयरफॉर q इज इक्वल टू 1/2। अगर q 1/2 है तो pp 1/2, क्योंकि 1 माइनस qb होता है p, ठीक है। चलिए तो आधा क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया था, ठीक है। देखो यहाँ p ऑफ x इज इक्वल टू 0 पे आप कैसे करोगे, एन सी एक्स, तो यहाँ एन कितना है आपका बच्चा, एन निकालना है ना, एन निकालना है। देखो अब यहाँ पुट करो तो एन इंटू 1/2 इज इक्वल टू 2, देयरफॉर एन इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ऐसे एक एक चीज निकाल लेंगे, ठीक है। जो जो मिसिंग है वो निकालो, ठीक है। 4c 0, पी क्या है यहाँ, 1/2 का पावर 0, क्योंकि क्यू टू द पावर एक्स होता है, और क्यू टू द पावर क्यू भी 1/2 है, क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स, यानी 4 माइनस एक्स कितना है भाई आपका, एक्स या 0 है, ठीक है। 4 माइनस 0 तो 4 ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये 0 हो गया, सॉरी ये 1 हो गया, ठीक है, ये भी 1 हो गया, एक मिनट, ये 1, ये भी 1, और ये 1/2 यानी 1/16, 1/16, 2 का पावर 4 यानी 16, ठीक है। चलिए तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 पे आता है आपका आंसर 1/16, क्लियर, ठीक है। और यही p ऑफ x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू p ऑफ a है, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ डायरेक्टली हम ये ऑड्स इन फेवर के लिए करेंगे, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, ये हटा देता हूँ मैं, ठीक है, ये इसे साइड में लिख लो भाई, कलर करके रखो, इसे साइड में ले लेते कहीं ऊपर कहीं रहने देता हूँ, इसे आपके काम आ जाएगा, ठीक है। तो ऑड्स इन फेवर ये फॉर्मूला लगा दो, तो 1/16 देखो, 1/16 अपॉन 1 माइनस 1/16 सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो 1/16 और 15/16, 1/16 अपॉन 15/16, देखो 16 खत्म, तो ये आ गया भाई 1/15, ठीक है। तो ये आपका आंसर है 1/15, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नोट कीजिए बच्चा, ये आपका आंसर है, ठीक है, क्लियर, 1/15, क्लियर, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे, 1, 2, and 3 हो गया। तो नोट कर लिया बच्चों, ठीक है। अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर, देखो क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है। देखिए ये देखिए, अब यही है ना, यही है, ठीक है। देखो अनबायस्ड कॉइन, सॉरी डाई इज टॉस्ड 500 टाइम्स, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ गेटिंग सक्सेस इज 500 टॉसेस इज, ठीक है। देखो
सबसे पहले तो मैंने बोला है यहाँ अनबायस एन 500 है, ठीक है, कि 500 बार उसे चला गया है, ये बोला है डॉस 500 बार, ठीक है सर। आप अगर जानते हो तो वेरियंस ऑफ, सॉरी वेरियंस नहीं, यहाँ आपको हाँ क्या बोला, स्टैंडर्ड डिविएशन, तो एस डी होता है अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स, ठीक है, आप जानते हो, ठीक है, तो अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स, तो वेरियंस ऑफ एक्स एनपी क्यू होता है, तो यहाँ भी एनपी क्यू, देखो पिछले इसमें किया था, अभी किया था मैंने पिछले इसमें, रुको एक मिनट, ये देखो एनपी क्यू आ गया, ये देखो, ठीक है, इसीलिए क्लियर, तो एनपी क्यू लिख दोगे, ठीक है, सिंपली। और यहाँ आपको पी पता है क्योंकि यहाँ डाई वाली बात हो रही है, तो डाई का आई एम गेटिंग सिक्सेस, सिक्स ही आपको है ना, सिक्स कितने बार आता है डाई में, एक बार, तो 1/6 की प्रोबेबिलिटी सिर्फ, ठीक है, सक्सेस की, और क्यू है आपका 5/6, ठीक है, क्योंकि बाकी फेल्यूअर ये सक्सेस है, ठीक है, और ये आपका फेल्यूअर है, ठीक है, क्योंकि 5 बार तो सिर्फ गिरने ही आना, ठीक है, ऐसे होता है ये। फिर यहाँ 500 पी कितना है 1/6, और ये 5/6, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, चलिए हो गया। अब देखो यहाँ आप अगर देखोगे तो एस ये आपका आ जाएगा 500, है ना, 500 में से यहाँ तो पहली बात तो ये हो जाएगा 2500, 2500 का 12 आएगा मेरे हिसाब से 50, ठीक है, और ये 6, तो 50/6 यानी 25/3, इसको काटो दो, ठीक है, तो 25/3 ये आपका एच डी है, ठीक है, ये आपका आंसर है, क्लियर, 25/3, ठीक है, चलिए, तो 25/3 है ना ऑप्शन बी, क्लियर, बहुत आसान है, मुश्किल कुछ नहीं है, ठीक है, देखो ऐसा नोट करो ध्यान से, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत यार लॉजिक लगाना था कि 1/6 5/6 आता है, वो दिया हुआ नहीं है, आपको खुद से सोचना है, क्योंकि एक डाई स्टैंडर्ड चीज है, ठीक है, और 6 मिलना है तो एक ही बार मिलता है, ठीक है, चलिए नोट कीजिए, 1, 2 एंड 3 हो गया, अच्छा ठीक, वो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे भी आप नोट कर सकते हो, अगर मैं ना भी रुकूँ तो फिर भी हट जाता हूँ, क्योंकि कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए मुझसे, ठीक है, देखिए अभी देखिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सेटिस्फाइंग द रिलेशन, देखो ये क्वेश्चन देखना, 4p और यहाँ x इज इक्वल टू 4 इक्वल टू p x इक्वल टू 2, ठीक है, एंड हैविंग द पैरामीटर n इज इक्वल टू 6, ठीक है, n 6 है यहाँ, सक्सेस बोला गया है, यानी p बोल रहे हैं निकालने को, ठीक है, ये सोच रहे हैं, ये p नहीं, प्रोबेबिलिटी वाला p, ठीक है, क्या फॉर्मूला तो हमें पता ही है, देखो 4nCx, तो यहाँ ये दिया गया, ठीक है, 6cx, वो इसीलिए x यानी 4, ठीक है, वो भी दिया हुआ है, p टू द पावर 4, q टू द पावर 6 माइनस 4 यानी 2, ठीक है, तो फॉर्मूला आता है ना, ncx, p टू द पावर x, q टू द पावर n माइनस x, ठीक है, आता है, क्लियर, ठीक है, चलिए चेक कर ले लो, ठीक है, चलिए ठीक है, ये देखो यहाँ 6c2, p टू द पावर 2, q टू द पावर 6 माइनस 2 यानी 4, ठीक है, समझ लो, यहाँ ऐसा आता है, फिर यहाँ से एक बार कट हो जाता है, तो 6 में से 2 गए तो 4 बचेगा, ठीक है, तो यहाँ अगर ध्यान से देखोगे तो इसका तो आंसर देखते 4, इसका आंसर क्या है, देखो साइड में कॉपी से, यहाँ 4 तक यानी 6 × 5 × 4 × 3 यहाँ तक आएगा, ठीक है, 1 × 4 × 3 × 2 × 1 3 × 3 = 4 × 4 = 2 = 15 आ रहे हैं, ठीक है, 4 × 15, ठीक है, चलिए अब आगे, e का पावर 4 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये 6 × 5 = 2 × 1, ठीक है, 2 × 3 = 3 × 5 = 15, ठीक है, 15 आ जाए, 15 e का स्क्वायर q का पावर 4, ठीक है, अब ये कटेगा दोनों से, देखो हो रहा है, कटने के लायक होगी, ठीक है, फसल कटने के लायक, ठीक है, देखो यहाँ पावर 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ हो जाएगा 6p का स्क्वायर मेरे हिसाब से, ठीक है, 1 पावर इसके 2 पावर, तो क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 15q का स्क्वायर, ऐसा कुछ बचेगा क्योंकि 2 कटेंगे, ठीक है, तो 15 × 4 = 60, ठीक है, देयरफॉर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, देयरफॉर पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू 1/2, देयरफॉर
क्यू इज इक्वल टू टू पी, ठीक है, क्यू क्यू वैल्यू टू पी आ गई, क्यू क्यू वैल्यू टू पी आ गई, ठीक है, समझ गए ना, क्यू क्यू वैल्यू क्या आ गई, देखो क्यू इधर टू पी, क्यू क्यू वैल्यू क्यों बना है, क्योंकि मुझे पी की वैल्यू निकालनी है, तो पी प्लस क्यू वन होता है, ये तो विधि लिखी है, ये तो फिक्स है, ठीक है, ये ऑलवेज ट्रू है ना, ऑलवेज ट्रू है ये, ठीक है, तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो क्यू की जगह पे टू पी प्लस ये आगे पी और यहाँ वन, ठीक है, तो पी आ गया वन बाय थ्री, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आ गया भाई, वन बाय थ्री ऑप्शन, ठीक है, चलिए, तो ऐसा कुछ है, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, समझ गया ना, चलो नोट करो इसे, वन टू एंड थ्री, तो नोट कर लिया बच्चों, ठीक है, अब देखो इसमें माइनर माइनर चेंजेस करके क्वेश्चन दिया, खुद से एक बार पॉज करके देखा करो यार क्वेश्चन करके, ठीक है, हो गया ना, तो बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, बड़ा ही प्यार आता है खुद से, है ना, चलिए मैथ पे प्यार आता है, आना चाहिए यार, लेट अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैव अ बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 8 एंड वेरिएंस 4, ठीक है, और ये कुछ नया आ गया, देखो के इस बार के मुझे दिया नया सा के यहाँ डाल दिया, उसे दिया यहाँ के, ठीक है, अब देखो एक्स, तो वेरिएबल एक्स बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन, ठीक है, तो ये एक्स इक्वल टू 8 है और वेरियंस ऑफ एक्स आपका 4 है, ठीक है, मुझे पता है क्या होने वाला है, ठीक है, देखो ये एन इन टू पी आर दिया है, तो यार एन पी जो होता है 4, यहाँ से 8 यहाँ घुस जाएगा, क्यू इक्वल टू 4, देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू 1/2, तो पी भी आपका आ जाएगा 1/2, ठीक है, अब एन निकालना पड़ेगा यहाँ जाके, तो एन इन टू 1/2 इज इक्वल टू 8, देयरफॉर एन इज इक्वल टू 16, बगोगे सारे पैरामीटर्स मिल गए जो कि इसेंशियल होते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इसकी वैल्यू अब ये ऐसा है तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, ठीक है, तो पूरा सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा पी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 2, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 2, बस इसके आगे जाना मत, लक्ष्मी ने रेखा इक्वल टू 2 है, ठीक है, 0 लेना है, 0 भूलना नहीं, बहुत से बच्चे 0 को छोड़ देते यार, ये गलत है, ठीक है, यहाँ ये वैल्यू फिलहाल मत लिखना, लास्ट में लिख लूंगा, ठीक है, देखो अब यहाँ एन कितना है 16c0, ठीक है, पी की वैल्यू कितनी हुई है, पी की वैल्यू 1/2 का पावर 0, क्यू की वैल्यू 1/2 का पावर 16, ठीक है, प्लस पी ऑफ 1 यानी 16c1, ठीक है, 1/2 का पावर 0 नहीं है, 16 - 1 15, 1/2 की पावर यहाँ, अरे सर यहाँ 0 तो लिया, 15 भी नहीं, पी की जगह क्यू लिख दिया हमने, 1 होना, ठीक है, और यहाँ 1/2 की पावर 15, ठीक है, क्लियर, एक कट गया ना, प्लस 16c2, ठीक है, 1/2 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ 2, ठीक है, ध्यान देना 1/2 की पावर 2 और 1/2 की पावर 14, क्योंकि 16 - 2 14, ठीक है, क्लियर, ठीक है सर, ठीक है, यहाँ पर अगर आगे सॉल्व करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 1 1, और ये 1/2 का पावर 16, ठीक है, तो यहाँ सिंपली 1/2 का पावर 16 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, प्लस सी, या देखो ये भी 1/16c1 है, ठीक है, 16c1 16 ही आएगा खुद आंसर, ठीक है, और ये 1/2 का पावर 16, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई हो गया, तो आइडिया हो गया ना पावर 2 का पावर 1 2 का पावर 15 तो 16, ठीक है, फिर ये 16 इन दो बार आएगा, तो 16 इंटू 15 लेना होगा, है ना, अपॉन 2, तो 8 इंटू 15 है, समझ रहे हैं ना, क्या 16 को दो बार लेना होगा, ठीक है, फैक्टोरियल 2 इंटू 1, तो ये ऐड करिए ना, 8 इंटू 15, ये कुछ नया टर्म आया, तो शायद से यही आंसर है, चलो देख, ठीक है, 8 इंटू 15 क्लियर होगी बात, और यहाँ अपॉन नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ 1/2 का पावर 16 होगा, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं, क्लियर, क्योंकि देखो यहाँ 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 14 2 का पावर 16, क्लियर, तो अब ये तो आप लिख लेंगे k/2 का पावर 16, ठीक है, बाकी अगर ध्यान दोगे तो यहाँ k/2 का पावर 16 इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ 2 का पावर 16 एक बार लिख लेना अपॉन, समझ गए ना, 2 का पावर 16 एक बार लिख लेना, और यहाँ 120 सही है, ठीक है, क्योंकि 30 कटेंगे ना पीछे से, 15 20, ठीक है, 120 और 16 137 137 130 जरा, अरे क्योंकि माइनस वाले, अरे कैसे सर,
137 कैसे सर, कैसे माइनस? ये 16 बराबर चल रहा है ना, 137 ही हो रहा है यार। चलो तो k इज इक्वल टू 137 हो गए, ठीक है। माइनस नहीं है इसमें, कहीं फ्रैक्शन माइनस लगाओगे? नहीं है, माइनस नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये ऑप्शन है, इसमें माइनस नहीं, मैं प्लस कर ली, नहीं करेक्शन है इसमें, ठीक है। मेरे हिसाब से तो करेक्शन होनी चाहिए, वह प्लस 137 होना चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए नोट कीजिए 1, 2 एंड 3। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये अगला, ठीक है, 100 टाइम्स वाला, ये मैंने ऑलरेडी करके दिया है पिछले इसमें, ठीक है। ये मैंने जानबूझ के रखा है जिससे कि आपको एक बार रिमाइंड हो जाए, ठीक है। तो ऑलरेडी डन है ये, ठीक है। 2021 PY2, ठीक है, उसमें डन है ये क्वेश्चन, तो एक बार थोड़ा देख लेना, ठीक है। आपके पास तो PDF ही आएगी ना, आप डायरेक्ट देख सकते, क्लियर। चलिए तो ये देखना एक बार, इसमें क्विस्ट है बीच में, वो आपको आ जाए तो क्वेश्चन आसान है, ठीक है। चलिए तो हो गया, यहाँ तक समझ गए, ठीक है। चलिए अब आगे ये क्वेश्चन देखो, क्या बोला गया है। अ डाइस थ्रोन 5 टाइम्स, इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 4 सक्सेस। भाई कितना इजी क्वेश्चन है, देखो ये तो एक्सरसाइज लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या बोला गया है, अ डाइस थ्रोन 5 टाइम्स, मतलब एन इज इक्वल टू 5, सिंपल, ठीक है। पहली बात फिर क्या बोले, गेटिंग एन ऑड नंबर, डाई के लिए 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑड की होती है और 1/2 ही होती है इवन की, कैसे सर? क्योंकि टोटल 6 नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, और जिसमें से 3 ऑड होते हैं और 3 इवन होते हैं, ठीक है। जिसका आंसर 3/6 1/2 1/2, ठीक है। एटलीस्ट 4, यानी पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, या तो इससे बड़े हैं या छोटे, ठीक है। 5 है हमारा एन, ठीक है, जिससे कि हम निकाल सकते हैं पी ऑफ 4 प्लस पी ऑफ 5, ठीक है, सिंपल बात है। तो यहाँ एन सी एक्स, ठीक है, तो एन सी 4 यानी 5 सी 4 पी की पावर क्या है, 1/2 का पावर एक्स, पी का पावर एक्स, पी टू का पावर एक्स यानी 4, ठीक है, और 1/2 का पावर 5 - 4, ठीक है, यानी कि 1, ठीक है, एंड माइनस एक्स प्लस यह 5 सी 5, ठीक है, 1/2 का पावर एक्स, एक्स यहाँ 5 है, ठीक है, और यहाँ 1/2 का पावर 0, क्योंकि देखो पी माइनस सॉरी एन माइनस एक्स, तो 5 - 5 0, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ अगर करोगे तो 5 × 4 × 3 × 2, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, 1 की कोई जरूरत नहीं है, 2, 3 ये खत्म हो गया, देखो ये खत्म, बस 4 बचा, ठीक है। चलिए 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैंने देखो 5 में 4 लिखे थे, ठीक है, इसमें भी 4, 3, 2 लिखा, ठीक है, वो खत्म हो गया, तो 5 बचा, क्या बचा 5, ठीक है, और 5 और ये 1/2 का पावर 5, ठीक है, क्योंकि ऐड हो जाएंगे तो पावर, क्लियर। यहाँ 5 है ऑलरेडी पावर में, इसका तो देखो अगर सेम टू सेम होता है ना बेस और ऊपर सिर पे, तो लिख देना 1 डायरेक्ट 1, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली इक्वल होता है 5 से 0 पे, ठीक है। अगर ऐसे अच्छे से लिखना चाहो तो एन सी एन इज इक्वल टू एन सी एन माइनस एक्स, ठीक है, इसके इक्वल होता है, क्लियर। चलिए एक्स तो इसमें 5 है ना, 0, इसलिए मैंने ऐसे लिया, क्लियर। अब देखिए यहाँ ये 1 × 1 × 2 का पावर 5, ठीक है, इसे सॉल्व कर रहा हूँ, देखो 5 / 5 का पावर 5 यानी 32 मेरे हिसाब से, है ना, 2 का पावर 4 यानी हो जाएगा 16, तो 16 और ये 32, ठीक है, तो 5 / 32, ठीक है, प्लस 1/32, ठीक है, यहाँ भी तो 6/32 यानी 3/16, है ना, तो ये आपका आंसर, ठीक है। 6/16 कैसे, 2, 3 + 6 और 2 × 16 = 32, ठीक है, तो 3/16 ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसे ध्यान से, ठीक है, आसान है क्वेश्चन, सिर्फ थोड़ा सोचना है, और ये एक्सरसाइज लेवल का ही क्वेश्चन है, ठीक है, नोट करो 1, 2 एंड 3। तो नोट कर लिया बच्चों, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, फिर भी नोट करने को समय दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला, ये देखिए ये भी एक्सरसाइज लेवल का है, ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें, पॉइंट वाइज में आंसर निकाला है। देखो क्या बोला गया, इट इज ऑब्जर्व दैट 30% ऑफ द स्टूडेंट अपीयरिंग फॉर एंट्रेंस सर्टेन एंट्रेंस टेस्ट आर साइंस स्टूडेंट, ठीक है, मतलब सीटी की बात समझ लो। इफ 5 स्टूडेंट्स आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द ग्रुप हैविंग 2 साइंस स्टूडेंट अमंग द ग्रुप, तो निकालो प्रोबेबिलिटी 2 साइंस स्टूडेंट की एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट यानी 2 के लिए, परफेक्ट बोली, ठीक है, यानी हमें निकालनी है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 के लिए, परफेक्ट प्रोबेबिलिटी बोली, ठीक है। फॉर्मुला लगा देंगे मैनुअल वाला, उससे पहले एन लिखते हैं, एन आपका 5 है, ठीक है, क्योंकि 5 स्टूडेंट आज सिलेक्टेड है रैंडम में,
फिर पी आपका 30% है, 30% है ना, 30/100 इज इक्वल टू 0.3, ठीक है। फिर अगर ये 0.3 है तो क्यू आ रहा है 0.7, ठीक है, 0.7, ठीक है, चलिए क्लियर, ये 0.3 तो ये 0.7, क्लियर। अब आप यहाँ आप अगर सॉल्व करोगे अच्छे से, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है, देखो सर ध्यान दो मेरी बात करिए, यहाँ तक बात क्लियर है ना, ठीक है। अब देखो एन सी एक्स यानी 5 CX कितना भैया 2, ठीक है, P कितना है आपका 0.3, ठीक है, तो 0.3 का पावर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है, एक्स टू है ना, तो एक्स टू, ठीक है, और Q का पावर 0.7 का पावर n माइनस एक्स यानी 5 - 2 3 आ जाएगा, कितना आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब याद देखो 5 × 4 आ जाता है, नीचे 2 × 1 आ जाता है, 2 × 4 तो 5 × 10, ठीक है, 10 आ गया, नहीं क्लियर, 10 क्लियर। तो आगे देखिए 0.3 का स्क्वायर 0.9 कितना आएगा 0.9, ठीक है, तो भाई 0.7 का क्यूब, चलो ये आता नहीं क्या, 0.7 का क्यूब आना चाहिए, ठीक है, 343 होता है, क्या होता है, कैसे होता है, 49 × 7 क्या होता है 6, ठीक है, ये 28 होता है, 28 होता है ना 34, तो इसलिए 340, क्लियर। चलिए 0.343 क्योंकि 3 पॉइंट ही आएंगे ना, और यहाँ सर यहाँ 2 पॉइंट आएंगे ना, 0.9 के लिख दिया आपने, गलत हो गया बच्चे, बिल्कुल 0 आना चाहिए, 0.09 होता है, ठीक है, चलिए समझ गया ना बात, ठीक है। अब यहाँ इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आंसर लिखना पड़ेगा, अरे कितना लंबा है, देखो आंसर आपकी तरफ, ठीक है, 2 8, ठीक है, ये आपकी तरफ दे दिया मैंने, ठीक है, चलिए इसे नोट कर लेना 1, 2 and 3 हो गया, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन चल रहा हूँ मैं, इन अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n इज इक्वल टू 4 एंड 2, ये तो ऐसा तो हमने अभी किया था क्वेश्चन, ठीक है, देखो यहाँ ये दिया है, यहाँ ये दिया है, ठीक है, तो ये इक्वल करना है आपको, तो ये एन सी देखो 2p, n कितना है आपका, n यहाँ 4 है, तो 4c3, ठीक है, इंटू पी, पी पता नहीं है हमें, पी टू द पावर कितना है, पी टू द पावर आपका 3 हो जाएगा क्योंकि x होता है, पी टू द पावर n माइनस एक्स यानी 4 - 3 यानी 1, ठीक है, इज इक्वल टू 3 × nc यानी n कितना है आपका, n यहाँ है आपका 4, ncx, x कितना है भैया, x यानी 2 है आपका, समझ रहे हो, ठीक है, पी टू द पावर x होता है, x कितना है 2 है, क्लियर, समझ रहे हैं, n माइनस एक्स का वैल्यू बनाना है, ठीक है, और कुछ 3 - 4, 4 - 3 यानी 1, ठीक है। चलिए अब यहाँ क्यू, क्यू क्या होता है आपका 4 - 2 यानी 2 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर, क्योंकि देखो ये एक्स 2 2 यहाँ आ गया, पी टू द पावर एक्स, और यहाँ एन माइनस एक्स 4 - 2 2, ठीक है सर, यहाँ देखो 4 4 3 4 3 2 और ये 3 2 1 गया ही 4 बजे, ठीक है, ये 8 आ गया, 2 × 4 × pq क्यू का पावर 1 इज इक्वल टू 3 4 और ये 2 4 × 3 1 2 × 1 2 2 1, ठीक है, तो 2 3 6 यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 6 और यहाँ पी स्क्वायर और यहाँ क्यू स्क्वायर, ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ क्यू क्यू कैंसिल, ठीक है, तो यहाँ 8 आ गया और यहाँ पी क्यू और यहाँ क्यू, यहाँ पी स्क्वायर और यहाँ क्यू स्क्वायर, ठीक है, नीचे ले लिए, एक काम करते ना इसे ऐसे हटा देते, देखो इधर गया तो पी बचा सी, ठीक है, और यहाँ 8 पी बचा, ठीक है, क्योंकि पी बचा है, यहाँ एक क्यू बचा, तो यहाँ 18 क्यू बचा, 18 क्यू, ठीक है, एक ही क्यू बचा ना, एक खत्म हो गया समझ में, ठीक है, तो आपको निकाल के क्या है वैल्यू आपको क्यू की निकालनी है, ठीक है, तो मैं पी की वैल्यू बनाऊंगा इन फॉर्म्स ऑफ क्यू, तो पी इज इक्वल टू 18/8, तो 18/8 यानी 9/4 क्यू, ठीक है, डिवाइड करूंगा ना टू से डायरेक्ट डायरेक्ट, क्यों ज़्यादा लिखेंगे, ठीक है, हमें पता है कि पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है, ये ऑलवेज करेक्ट है, ठीक है, तो मैंने अभी लिखा था क्वेश्चन थोड़े देर पहले 9/4 क्यू इसके जगह, ठीक है, प्लस क्यू, क्यू निकालना है ना, क्यू निकल जाएगा तो पी निकालने में क्यू शर्मा रहे होंगे, ठीक है, क्यू क्यू क्यू, अभी देखो यहाँ 13 क्यू मेरे हिसाब से 0.4 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ 4 ही ले लेता है, नहीं ले रहा है, अगर ये तो क्या, ठीक है, अभी देखो क्यू इज इक्वल टू 4/13,
कौन सा ऑप्शन है भैया? ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, 1 2 3 हो गया, ठीक है। अब आगे एक और, ठीक है, ये देखिए। अरे ये तो सेम टू सेम क्वेश्चन दिख रहा, ठीक है, उसी टाइप का, ये भी उसी गली में है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 2 it by yourself वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आप खुद से कीजिए ये, ठीक है, खुद से मजे लीजिए थोड़े करने के शौक, ठीक है। चलिए हो गया, ठीक है, अगला। हाँ ये तो ये देखते, ये एक बार आप मॉड का मैंने आपको समझाया था अभी, ठीक है, याद है आपको? डेफिनेट इंटीग्रेशन में कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में मॉड का अच्छे से समझाया मैंने, तो एक बार जरा इसको ट्राई देना, अगर नहीं आया तो मैं बता दूँ, ठीक है। पिछला तो आप कर लोगे ना मुझसे, ठीक है, तो ये ट्राई नहीं आया तो मैं बता दूँ, थोड़ा पॉज करके सोचो, एक मिनट तक सोचो, खुद को समय देना, ठीक है। 1 2 and 3 तो चलिए बच्चों मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है, आपने ट्राई किया होगा इसमें सीधे, ठीक है, हार्ड नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये मॉड को सॉल्व करना होगा पहले, ठीक है, तभी आएगा क्वेश्चन, वही है सिर्फ इसमें मॉड डाल दिया है, ठीक है। देखो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है, देखो ये मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर इज लेस देन और इक्वल टू 2 है ना, ठीक है, इसका मीनिंग तो आपको पता होगा, मॉड कैसे खुलता है, मॉड ऐसे खुलता है, ये एक्स होता है अगर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, और अगर और ये माइनस एक्स के साथ खुलता है अगर एक्स इज लेस देन 0। तो आप लोग इसे मॉडल में तो कभी हमने माइनस देखा नहीं, मैंने बताया था वैसे तब उस क्वेश्चन में कि बेटा यहाँ माइनस नहीं आना चाहिए, अगर ये निगेटिव होगा तब खुलेगा, ऐसा बोला मैंने, ठीक है। तो अगर मॉड में माइनस 3 होता है, ठीक है, ऐसे तो ये और एक माइनस लगा के पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे हम तो बोल रहे हैं तो भैया हाँ वही है बेटा, इसे बोलने का तरीका मेरा अलग है, ठीक है, और ये तरीका सही है, ठीक है। चलिए तो ये ऐसी जगह काम में आ जाता है, ऐसे इंटीजर वगैरह होते तो हो जाता है, ऐसी जगह ये काम में आता है, ठीक है। मतलब इसके सहारे में बोल सकता, उसके सहारे में बोल सकता है कि ये माइनस 2 और 2 के बीच में लाया जा रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक। अब यहाँ देखो मैं प्लस 4 दोनों साइड कर दूंगा जिससे ये 4 कट जाएगा, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा पॉजिटिव 2, ठीक है, और यहाँ x आएगा और यहाँ आ जाएगा 6। मतलब ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर, इसके लिए मैंने इतना किया, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे वैसी वैल्यू आ गई है जैसे हम सॉल्व करते हैं अब तक प्रोबेबिलिटी में, ठीक है, इससे बीच की, इसके इससे बीच की हम प्रोबेबिलिटी निकाले तो 2 से 6 ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। अब सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, अब बहुत आसान हो गया क्योंकि अब ये 4 यहाँ प्लस कर दिया तब वो आइए, प्लस 4 यहाँ किया 2 आ गया और साइड्स पे 4 ऐड कर दिया, ठीक है, ऐसा समझ लो, क्लियर। अब देखो अब यहाँ पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, ध्यान देना, पी ऑफ 2 प्लस पी ऑफ 3 प्लस पी ऑफ 4 प्लस पी ऑफ 5 प्लस पी ऑफ 6, ठीक है, इतना सारा लेना है, ठीक है, और इसे सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। अभी इसके आगे आप कर सकते हो, तो डू इट बाय योर सेल्फ डीपी, ठीक है, बहुत आसान है, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। एनसीआर पी टू द पावर एक्स क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स का फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालते जाओ, ये है आपका एन और ये है आपका पी, ठीक है, समझ गए, क्यू हाफ ही आएगा, ठीक है। तो चलिए नोट कीजिए, 1 2 and 3 हो गया बच्चों नोट, ठीक है। देखिए जहां तक मुझे लगता है आंसर तो ये आना चाहिए, फिर भी थोड़ा देख लेना, ठीक है। चलिए तो यहाँ मैंने आपको क्वेश्चन करके दी थी जो इम्पोर्टेंट थे ये, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन हो जाए तो कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट कीजिए, ठीक है, और भी क्वेश्चन कराऊंगा। अब इसके 22 के ये सारे थे, ठीक है, 23 में भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है और अलग लगते हैं मुझे तो मैं लेक्चर बना दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। 23 में कुछ लिए है मैंने उस टाइप के भी, ठीक है, तो ये सारा 22-23 कंबाइन था एक्चुअली, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, यहाँ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी खत्म होता है, अब मैं लाइंस एंड प्लेन्स और मैट्रिसेस की ओर ध्यान दूंगा, ठीक है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर। चलिए तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, उम्मीद है आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, जय हिंद जय भारत।